अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज जो हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वो है सुपर एशिया का बेबी वॉशर, जिसके अंदर मार्केट में दो साइज़ अवेलेबल हैं। एक जो इसका साइज़ है वो 1 kg के अंदर आता है, और इसमें जो बड़ा वाला साइज़ है वो इनका 4 kg के अंदर आता है। इस वीडियो के अंदर आपको इसके प्रॉपर रिव्यू दिया जाएगा, जिसके अंदर इसकी बॉडी की क्वालिटी और इसकी मोटर पावर और इसकी तमाम चीज़ें जो इसके अंदर मौजूद हैं उन सब के बारे में प्रॉपर रिव्यू दिया जाएगा। सबसे पहले जो है आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं कि सुपर एशिया जो है पाकिस्तान की सबसे पुरानी कंपनी है, जो कि वॉशिंग मशीन में बहुत अच्छा नाम रखती है। और सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि ये पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, जिसकी वारंटी सपोर्ट और बैकअप बहुत अच्छा है। सबसे पहले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं इसके छोटे वाले साइज़ से, जो कि 1 kg के अंदर आता है। इसमें जो बॉडी कंपनी यूज़ करती है वो फाइबर प्लास्टिक के अंदर होती है। फाइबर प्लास्टिक की बॉडी यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जंग का मसला नहीं आता। उसके अलावा प्लास्टिक बॉडी है तो इसमें करंट लगने का भी कोई ख़तरा नहीं। दूसरी बात, अगर इसकी बॉडी फिनिशिंग की बात करूं तो बॉडी फिनिशिंग भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी रखी हुई है। ये जो ऊपर आप ढकना देख रहे हैं ये इसका वॉशिंग ट्रे कहलाता है, जिसमें आप कपड़े रख के आराम से धो सकते हैं और इसमें से पानी जो होगा वो नीचे मशीन में ड्रेन हो जाएगा। और ये जो है ये इसका वारंटी कार्ड है, जिसमें वॉशिंग मशीन की अगर वारंटी की बात करूँ तो वो 10 साल की मोटर वारंटी है। ये इसकी मोटर है जिसे पल्सेटर कहते हैं, इसे अभी चलाकर भी देख लेते हैं, पहले दूसरी चीज़ों पे नज़र डालते हैं। उसके अलावा इसके जो पानी का लेवल होता है वो भी कंपनी ने मेंशन किया हुआ है। ये जो पाइप है ये इसके ड्रेन का पाइप है, इसको अगर आप हुक से निकाल के नीचे करते हैं तो सारा पानी आपका बाहर आ जाएगा। चलें आपको इसका बड़ा साइज़ भी दिखा देते हैं। बड़ा वाला साइज़ जो है उसका मॉडल है SA210, जो कि 4 kg के अंदर आता है। ये जो 4 kg का साइज़ है इसके अंदर आप बच्चों के तकरीबन 20 कपड़े धो सकते हैं एट अ टाइम, और अगर आप इसके अंदर बड़ों के कपड़े डालना चाहते हैं तो वो तकरीबन 4 जोड़े एट अ टाइम आ जाते हैं इसके अंदर। वैसे ही 1 kg वाले के अंदर जो हैं बच्चों के 5 कपड़े और बड़ों के जो हैं 1 जोड़ा एट अ टाइम धुल सकता है आपका। इस मशीन की खास बात यह है इसकी जो मोटर है वो कॉपर वाइंडिंग के अंदर है, और मोटर पावर मैं आपको वीडियो में अभी चला के भी दिखा देता हूँ। मोटर पावर भी काफ़ी अच्छी है इसकी। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका टाइमर है, टाइमर इसके अंदर कंपनी ने 15 मिनट का दिया हुआ है। दोनों मशीनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो इसके साइज़ का है और इसकी मोटर पावर का है। वारंटी भी दोनों मशीनों की बराबर है, 10 साल की मोटर वारंटी है, और वारंटी जो है वो इसकी ऑल ओवर पाकिस्तान की वारंटी है। मुझे जो इस मशीन के अंदर सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो इसका साइज़ है। इसका साइज़ अगर आप देखें तो ये बहुत ही छोटे साइज़ के अंदर है। अगर आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं तो ये मशीन आपके बहुत काम आएगी, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। इस्तेमाल की अगर बात करूँ तो काफ़ी ईजी टू यूज़ है, बस टाइमर लगाना है आपको कपड़े वॉश करने। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो वो भी कंपनी ने काफ़ी मोटा प्लास्टिक लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है मशीन। इस मशीन का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आप डस्टिंग वाले कपड़े या बच्चों के गंदे कपड़े, जो कि आप दूसरी बड़ी मशीन पे वॉश नहीं कर सकते, वो आप इसमें आराम से वॉश कर सकते हैं। इसके अंदर बिजली भी कम इस्तेमाल होगी, और दूसरा सर्फ भी आपको बहुत कम मिकदार के अंदर डालना होगा। ये इसका टाइमर दिया हुआ है, इसका टाइमर मैं ऑन कर देता हूँ। 3 मिनट पर टाइमर रख देते हैं इसका, और इसकी पावर आप देख सकते हैं। अच्छा, इसकी मोटर जो है वो 2-साइडेड मोटर है, चलते चलते रुकेगी उसके बाद दूसरी साइड भी मूव करती है। वैसे ही छोटी वाली मशीन के अंदर भी सेम ऑप्शन है, इसमें भी 2-साइडेड मोटर है। इसकी मोटर पावर आप देख सकते हैं काफ़ी स्पीड में घूम रही है, अगर इसकी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा पाएँ तो। इस पावरफुल मोटर का फ़ायदा ये है कि इसमें आप बड़ों के कपड़े भी आराम से धो सकते हैं, जिसके अंदर जीन्स की पैंट और बहुत सी चीज़ें कपड़े ऐसे आते हैं, तो आप इसमें आराम से वॉश कर सकते हैं बगैर किसी मसले के। उसके अलावा ये इनका कस्टमर केयर नंबर है, कोई भी मसला होने पे आप इस पर रابطہ करेंगे, कंपनी का टेक्नीशियन आपके घर पे विज़िट करेगा। यहाँ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मज़ीद इस टाइप की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।